टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, व्हाट आर योर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है और आपके मौलिक कर्तव्य क्या, कैसे कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मेरा एक शिक्षक हूं, मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है मेरा, मेरा कर्तव्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन इस कंसेप्ट में बदलाव आ गया, सरकार का ये बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बच्चे को एक आदर्श नागरिक बनाना। अब यह दोनों अंतर आ गया। पढ़ाने का मतलब क्या है, यू आर सपोज टू कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड कोर्स एंड लीव दिस हॉल विदाउट थिंकिंग ओवर whether the child has accepted in a nice manner, positive manner or not. But no, शिक्षा नीति का कि नहीं, शिक्षा का मतलब बच्चे को पूरी तरीके से प्रशिक्षित करना है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो भी हमारी जिम्मेवारी है आपको समझाना। बात समझ आ गई, अपने विषय प्रति आपको रुचि पैदा करना और आपको इतना इंटरेस्ट कर देना कि आप खुद ही कहो कि यस सर आई हैव सम क्वेश्चन, सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन। तो और कोई बच्चा इसमें ऐड करना चाहता है कुछ? यस सर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, यानी धर्म चुनने का अधिकार है। yes. आपका फंडामेंटल राइट है, आप चाहें जो धर्म वो चुन सकते हैं, यही ना आप कहना चाहती हैं? यस। अब आप बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपने सुना है, कोई बच्चा बताएगा फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आप देश के नागरिक होने के नाते आपको इन इन कर्तव्यों का पालन करना है। वो क्या कर्तव्य है, दूसरे के शांति को भंग नहीं करना है, दूसरे के विकास में बाधा नहीं पहुंचाना है, दूसरे देश के निर्माण में योगदान देना है, अच्छे नागरिक होने के नाते अच्छे नागरिक का गुण होना चाहिए आपको। ये सब कर्तव्य में आता है। सरकार के किसी प्रशासनिक काम में दखलंदाजी नहीं डालेंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अब देखिए तीन चीजें हैं, इसमें तीन चीजें एक साथ आती हैं। फंडामेंटल राइट्स ये इंडिविजुअल का होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये इंडिविजुअल्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है कि आपका अधिकार तो जरूर है बट साथ साथ आपका कर्तव्य भी ये है कि आपको ऐसा चीजें नहीं कर रहा है जिससे दूसरे के फंडामेंटल राइट क्लैशिंग हो। इज इट राइट टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब सरकार की भी जिम्मेवारी है, तीन पक्ष है, सरकार, नागरिक और समाज। समाज के आज ड्यूटी है के लिए आपको ड्यूटी दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लिए दिया गया है कि आपको कोई प्रश्न करे, फंडामेंटल राइट्स। और सरकार की क्या ड्यूटी है, उसके लिए बना हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व। डू यू नो दिस टीपीएस? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड टीपीएस। दिस इज कॉल्ड फॉर स्टेट डायरेक्टिव, यानी राज्य को यह दिया गया है कि आपको ये काम है जनता के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, सबके लिए करना है। नाउ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस थ्री ऑल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यस, नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज इंटर रिलेटेड फॉर आर्ट और नेशन बिल्डिंग, सो दैट एवरी पर्सन, एवरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री, एवरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्टेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन हिज ओन मैनर। समझ में आ गया? Yes, sir. राज्य अपनी जिम्मेवारी निभाए, समाज को हमें कैसे सफल बनाना है वो जिम्मेवारी निभाए, और नागरिक अपना कर्तव्य निभाए तो उसकी फंडामेंटल राइट बना रहेगा। क्लियर है सबको? तीन चीजें जान गए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान ने बनाया है कि हर राज्य को, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, वेदर इट इज बिहार गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी ड्यूटी बनती है कि इन इन पक्ष को आपको ध्यान में रखना है। समाज का कमजोर वर्ग को, कमजोर वर्ग जैसे अभी दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय या ऐसे लोगों को प्रति, ठीक है ना? ओके, तो इसके बारे में क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। उस पर हम पूछेंगे, ठीक है ना? ओके।
Thank you to all of you. Thank you so much.